बस्ती जनपद में पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था का फायदा उठाते हुए ताबड़तोड़ चोरी की हो रही लगातार घटनाओं को लेकर एसपी की सख्ती के बाद अब चोर घनता कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया है। इन चोरों के पास से चोरी किए गए सामान भी बरामद किए गए हैं, जिसके बाद बस्ती पुलिस और बस्ती की जनता ने राहत की सांस ली है। चोरी के विभिन्न घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को चोरी किए गए सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली पुलिस टीम व स्वाट टीम को मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर हुई चोरियों को अंजाम देने वाले आरोपी साजिद हुसैन, शहजाद उर्फ जादू और महमूद आलम उर्फ गुड्डू को चोरी किए गए सामान व पैसे जिसकी अनुमानित कीमत 7,60,000 रुपए है के साथ गिरफ्तार किया गया। साजिद ने पूछताछ में बताया कि मैं और सिराज व शहजाद द्वारा रैकी करके छुट्टी के दिनों में तालाबंद मकान में ताला तोड़ के चोरी करते थे, जिसके संबंध में थाने से पता किया गया तो विभिन्न घटनाओं में थाना कोतवाली पर कई मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साजिद द्वारा बताया गया कि चोरी के सामानों को हम लोग औने पौने दामों पर बेच देते थे और चोरी के कुछ माल महमूद आलम उर्फ गुड्डू पुत्र हयातुल्लाह निवासी हनुमानगढ़ी के पास तुरकहिया थाना कोतवाली जनपद बस्ती के घर रखे हैं, जिसको समय मिलने पर बेचकर आपस में बांट लेते थे। तत्पश्चात महमूद आलम उर्फ गुड्डू के घर नियमानुसार तलाशी ली गई तो चोरी के कई सामान बरामद हुए, जहां से महमूद आलम को गिरफ्तार किया गया। कोतवाली जनपद बस्ती और स्वाट टीम ने एक चोरों के गैंग को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने जनपद बस्ती में कई चोरियां पिछले कुछ महीनों में की है। ये एक बहुत ही अच्छा गैंग जो पकड़ा गया है, इसमें 3 लोग साजिद हुसैन, शहजाद और महमूद आलम गिरफ्तार हुए हैं। उनसे करीब 27 अलग अलग सोने चांदी के जेवरात और कुछ मोबाइल फ़ोन प्लस जो इक्विपमेंट ये यूज़ करते हैं चोरी करने में वो बरामद हुए हैं। इसमें इनका आपराधिक इतिहास एक व्यक्ति का पहले से भी है, इनके काफ़ी चोरियों में ये रहे हैं पहले। करीब 7,60,000 की रिकवरी हुई है, टीम को 10,000 रुपये का इनाम दिया जाता है। थैंक यू सर। ये लोग मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं? ये यही गांधीनगर थाना कोतवाली जनपद बस्ती के रहने वाले हैं, एक कंचन टोला का रहने वाला, एक तुर्कैया रहने वाला है। ये लोग रात को जो बंद घरों में घुसकर चोरियां करते थे, पंखे या जो सामान मिल जाए कुछ भी उठा के ले जाते थे, कुछ मोटर भी ले गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा गैंग वर्कआउट हुआ है, उसी पे आगे कार्रवाई चलती रही। सर ये नशेड़ी टाइप हैं, ये लोग नशा करते हैं क्योंकि इस तरह से मोहल्लों में घुमा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जानकारी में आया है कि ये लोग नशा करते हैं और एकाध कुछ और लोग नाम प्रकाश में आए हैं, उनके ऊपर भी गिरफ्तारी करके आगे कार्रवाई की जाएगी।